everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six for Truth. Always exposes darkness. So kaise hai sab log? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन है जो बेहद आपको पसंद करते हैं एंड डेफिनेटली हु इज कमिंग एंड डेफिनेटली फॉर अ स्टेबल कनेक्शन. ओके, फॉर अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन. इसे हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस डेक से देख लेते हैं. यूनिवर्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स कौन उनको बेहद पसंद करते हैं, कौन उनको चाहते हैं एंड रियली दे वांट टू हैव अ स्टेबल कनेक्शन विद देम. यूनिवर्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में कौन है जो आना चाहते हैं, व्यूअर्स के लाइफ में कौन आना चाहते हैं, कौन उनको बेहद पसंद करते हैं. ओके, सो वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स. सो यहाँ पे मुझे ये दिख तो रहा है कि इंसान जो है उन लोगों को ही फेवर करते हैं जो काफी स्ट्रांग है, बोल्ड है. उन लोगों को ये बिल्कुल फेवर नहीं करते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं जो कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा ही वीक है या उनके अंदर हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने का, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है. ये ऐसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रखते हैं जहाँ पे बहुत ही कम लोग उनके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच हो पाते हैं. सो दे लिव लाइक किंग साइज एंड डेफिनेटली दे यू नो लव अ वेरी कोजी होम. यहाँ पे फायर प्लेस है, आप देख रहे हो पॉट, सिंपल डेकोरेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा कोजी है, कंफर्टेबल है. इस तरह के एनवायरमेंट में ये ऑब्वियसली अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं. सो दे यू नो व्हाट दे ऑलवेज फील दैट दे आर द बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड चाहे वो कोई भी पोजिशन में हो, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकते. सो दे आर सो मच कॉन्फिडेंट ओवर देमसेल्व्स, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर है. सो लेट्स सी, दे कैन बी मच मोर एजेड देन यू, ऐसा भी हो सकता है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी डू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव नाइन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है बैटल वैगन, वी डू हैव एट ऑफ पेंटिकल्स. काफी स्ट्रांग कैरेक्टर निकल के आ रहा है बार बार. द लॉर्ड ऑफ शेडोज, यहाँ पे है डेथ कार्ड. सो वी डू हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह धनु वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. हाँ, वी डू हैव यस एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे 9, 7, 8, 6 and 13 नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो दिसंबर का महीना, जून, जुलाई, सेप्टेम्बर, ओके, ऑगस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस इंसान को, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है खर्चा करने के लिए. दे हैव इनफ बैंक बैलेंस टू यू नो स्पेंड मनी. काफ़ी इम्पल्सिव शॉपिंग भी करते हैं और ये लोगों को मदद करते हैं, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते हैं. अगर मैंने आपको ये कहा है कि वो बहुत जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका साथ नहीं देते हैं, मतलब क्या है, उनको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में वो कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है. बाकी अगर उनको लगे कि नहीं मुझे मिल रहा है बहुत ज़्यादा पैसा, सफिशेंट इनकम है, प्रॉफिट मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो कभी भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि वो डोनेट करें या वो किसी को, ठीक है, जो है ज्ञान दे या किसी को, ज़रूरतमंद लोगों को, उनको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनके साथ, उनके कोई फ्रेंड्स होंगे जिनको वो रेफर कर देंगे कि आप वहाँ पे चले जाओ संस्था में, मैंने बात करके रखा है, शायद आपको मिल भी जाएगा. सो दिस इज, बट दे ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट पीपल एट द सेम टाइम. कुछ लोगों ने, ये इंसान जो है बहुत ट्रैवल फ्रीक है, मे बी दे आर ट्रैवल ब्लॉगर, दे ट्रैवल बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट्स, ठीक है, जैसा भी मिलता है ट्रांसपोर्टेशन
ठीक है, और वो कर लेते हैं क्योंकि उनको ब्लॉग्स बनाना होगा। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली दे कैन वर्क फॉर द मीडिया, ठीक है, दे कैन वर्क यू नो इन सच ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यू नो जहाँ पे कारीगरी बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल जॉब्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, मे बी लाइक यू नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है लेकिन वहां पे मुझे इंडस्ट्रीज ज्यादा दिख रहा है, मे बी लाइक यू नो जैसे होता है ना प्लेइंग गेम्स वाला कुछ उस तरह से हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पर्सन। ये इंसान के कर्ली ना कंटिन्यूअसली शिफ्ट में काम करना, कंटिन्यूअसली ओवर टाइम करना, इनके लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, दे ऑलवेज डू लाइक दिस। ये इंसान को जब वीकेंड्स होता है ये कंफर्टेबली बहुत ज्यादा अपना प्राइवेट स्पेस एंजॉय करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज लाइक यू नो उनका जो एक अपेयरेंस है वो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इन्होंने काफी टफ टाइम देखा है, ठीक है, काफी चैलेंजिंग सिचुएशंस देखे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गए। हो सकता है कि उनके लाइफ में लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, रोमांस को लेके बहुत कुछ उन्होंने जो है खामियाजा भुगते भी होंगे। सो दैट्स वाई दे आर लाइक दिस, दे हैव द फायर एनर्जी इन साइड देम। बहुत ज्यादा ये एनर्जी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना काफी कैरिज्मेटिक है। कैरिज्मेटिक मतलब क्या है, द शाइन थ्रू द यू नो द लाइट ऑफ द सोल। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट दे आर वेरी लाइक रफ एंड टफ पीपल, लाइक करना है करो वरना जाओ यहाँ से। तो दे आर ऑलवेज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रोफेशनल है, एंड ये इंसान कभी भी लास्ट अगर ये इनको कभी भी मतलब काम करते करते बहुत थक भी गए और बहुत देखा कि कंपटीशन भी है, कुछ ऐसा उम्मीद भी नहीं है, तभी भी ये लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, एकदम क्विट नहीं करेंगे क्योंकि उनको मानना ऐसा है कि हम जीत भी तो सकते हैं, वाई शुड आई क्विट, वाई शुड आई सरेंडर, इस तरह से है। नाउ लेट मी सी मोर विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। ये इंसान का कभी कभी आप सीरियस फेस दे सकते हो, देख सकते हो, और ये इंसान अगर फीमेल है हो सकता है कि ये इनका ब्लैक हो हेयर, एंड डेफिनेटली दे कैन मेक अ पॉनी टेल, या हो सकता है कि बन बनाते हो मतलब जूड़ा बनाते हो। ओके, दे लव एक्सेसरीज, उनको एक्सेसरीज क्लिप्स ये सब पहनना बहुत पसंद होगा फॉर फीमेल। ओके, एंड फॉर मेल आई कैन सी लाइक यू नो दे डोंट, जैसे मेन का भी ज्वेलरी होते ही है उतना वो एक्सटेंसिवली नहीं पहनते हैं, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इन कैजुअल अगर ओकेशंस है तो वो पहनेंगे, अदरवाइज दे वेयर सूट ब्लेजर्स, ठीक है, एकदम प्रोफेशनल फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल यू कैन से दैट अटायर आप बोल सकते हो, आउटफिट्स वाइट, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, रेड, इस टोन में होगा। सो लेट्स सी, यूनिवर्स विल गाइड, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आने वाले हैं। वी डू हैव द सेंचुरी, द फोर, द शैलिस विल, मदर अर्थ फ्लो, क्रिएटिव फोर्स। तो सेंचुरी ऐसा जगह होता है, द शैलिस विल वही है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग निश्चिंत हो जाते हैं आके, ठीक है, बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि इनका हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा था उनको ले आ जा सकता है, ठीक है, सेंचुरी में। मतलब क्या है, इट्स अ रेस्टिंग प्लेस आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं, ठीक है, और नेचर के बीचों बीच रहेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, दूर रहेंगे शहरों की जो तकलीफ है उससे, सो आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका बॉडी जो है उसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो यू नो व्हाट, व्हेन दे विल कम इन योर लाइफ, जब वो आपकी जिंदगी में आएंगे ना तब आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं ना सेंचुरी में हूँ और मुझे ना कहीं पे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे आप जो भी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे होंगे इनके आने से आप जब इनके साथ शेयर करेंगे तब ऑटोमेटिकली तकलीफ जो है वो दूर हो जाएगा। नाउ दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड अ सेंचुरी। सेंचुरी एनिमल्स के लिए भी होता है, जब उनका वो कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं ना जिनका ज्यादा से ज्यादा आज वो बढ़ नहीं पाते हैं,
ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो उनको उनका जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं पे सेंचुरी में रखा जाता है ताकि प्रिजर्व्ड एरिया है वो, ठीक है। सो दिस इज लाइक दैट, तो दे ऑलवेज यू नो लव सच स्पॉट्स। हो सकता है कि इनको पसंद भी है एनवायरमेंटल एरियाज, पार्क्स, सेंचुरीज, इनको जाना भी पसंद हो सकता है। मे बी दे वर्क ओवर देयर। यहाँ पे देखो 10, द एथीरियल, द अदर वर्ल्ड जर्नी, एवर लास्टिंग। तो इनके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेबल कनेक्शन होगा। यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, यहाँ पे एक ग्रेवियर्ड है, यहाँ पे जो है पीच ट्री है, आउल है। ऑब्वियसली दीज आर वेरी गुड इंडिकेशंस, बहुत अच्छे इंडिकेशंस है, आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये जब आपके सामने आएंगे ना, ठीक है, और ये आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ढेर सारा ऐसा दिखाई देगा कि यू नो लाइक कभी आपने आउल देख लिया, कभी आपने जो है रेनबो, ठीक है, कोई वॉलपेपर में देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स आपके बैल्कनीज में आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा अजीब सा भी बर्ड थोड़ा देर के लिए भी आएंगे और फिर वो उड़ जाएंगे, उस तरह से होगा। बटरफ्लाई आपके घर में आ जाएगा उस तरह से। सो यू फील सो मच रिलीव्ड, आपको लगेगा ही वैसा, बिकॉज दिस इज लाइक यू नो सोलमेट कनेक्शन जो आपको हील करने के लिए ही बेसिकली आ रहे हैं। 21 द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे इनग्रेन फेमिनिन पावर, ब्यूटी, मदरवुड एंड एक्सेप्टेंसी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ही केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत फीडिंग वाला है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हरदम साथ रहने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज बोला कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, याद करके रखो। और ये इंसान की अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो काफी ज्यादा अपडेटेड रहेंगे, वेल यू नो ग्रूम्ड होंगे, ठीक है। आपको देख के ही लगेगा ये बहुत ज्यादा हाइजीनिक भी है। एंड आई कैन सी लाइक यू नो एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट मीन्स दैट आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप होगा इट विल बी सो पीसफुल, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। और अगर ये दुखी भी होंगे ना, तो वो आपको एटलीस्ट कहेंगे नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ, इन इन ऑर्डर ओके टू फॉरगेट। ये आपको कहेंगे कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स है मुझे बताओ, शायद मैं सॉल्व कर दूँ। डस्की स्किन टोन, या हो सकता है कि यू नो व्हाट लाइक वेरी फ्रेश कम्प्लेक्शन, फ्रेश, आप हमेशा उनको फ्रेश देखेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि हमेशा ये नहा धो के जैसे ही बैठे हैं। सो दे आर लाइक दैट ओनली। किसी किसी का ऐसा होता है बहुत ज्यादा स्किन टोन बहुत अच्छा, ठीक है। और 3, 5, 8, 6 या 9 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। दे कैन वर्क एज अ रिजर्वेशन मैनेजर और एन एजेंट, वट एवर, दे कैन बी अ टूर ट्रैवल एजेंट, एजेंसीज है इनका जहाँ पे इंटरनेशनल बुकिंग्स भी लेते होंगे। ये आंध्र प्रदेश एक आ रहा है स्टेट, ओके एंड ओके डन। ये हमेशा ही काम प्रॉपरली टाइम में कर लेते हैं। 3, 5, 6, 8 और 3, 5, 9, 8 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर्स। ओके नीदरलैंड्स हो सकता है वो रहते हैं। ओके हिमाचल प्रदेश एक स्टेट दिखाई दे रहा है। ओके ऑलराइट, सो A4ND फॉन्ड, दे विल बी रियली फॉन्ड ऑफ यू, बहुत ज्यादा, मतलब वो आपके ना एकदम बहुत प्यारे होंगे वो, मतलब वो प्यार तो आपको करेंगे लेकिन आप उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखोगे उनके लाइफ में। अच्छा RJ, दे कैन बी लाइक दैट। मीना, MINA मीना आ रहा है। मनी, दे ऑल्सो हैव गुड मनी, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and